हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं। आपका अगर हेयर फॉलिंग हो रहा है, हेयर डैमेज हो रहा है, या हेयर आपका बढ़ नहीं रहा है कि हेयर लॉन्ग नहीं हो रहा है, हेयर से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो रहा है, डैंड्रफ है और बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो चलिए आज ऐसा मैं सलूशन बताती हूँ कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप घर पे ही हेयर ऑयल बनाएं और लगाएं, आपके हेयर जल्दी लॉन्ग भी हो जाएंगे और सारे हेयर प्रॉब्लम सलूशन निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा क्यूब, यानी ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल घर पे ही निकालें। उसके लिए हमें चाहिए एक एलोवेरा लीफ, यानी ऑर्गेनिक एलोवेरा लीफ। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें और फॉलो करें। सो उस एलोवेरा को आप अच्छी तरह से ध्यान से इस तरह से कट करिए जैसे मैं कट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले उसे पीसेस में कट करिए और उसके साइड को अलग निकाल दीजिए, क्योंकि साइड वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा नुकीला होता है और नुकीला होने की वजह से आपको लग सकता है, इसलिए साइड पार्ट अलग हमें निकाल देना है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए मैं क्या क्या चीज़ों की को इसमें डालूंगी और क्या क्या यूज करूंगी, आप ध्यान से देखिए। सो फ्रेंड्स, और एलोवेरा जेल को हमें अच्छी तरह से किसी चम्मच की मदद से अलग कर लेना है किसी बाउल में अच्छे तरह से, और सारे क्यूब को जैसे मैंने कट किया है पीसेस में और अलग पार्ट में किया है वैसे ही आप लोग करिएगा। और मैंने एक रेड ओनियन लिया है, यानी रेड प्याज। और उसके लिए हमें तेल बनाने के लिए और क्या चाहिए, ऑयल बनाने के लिए कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। सो फ्रेंड्स, हम 2 कप नारियल का तेल लेंगे और 1 रेड ओनियन लेंगे। सो और सारे एलोवेरा को हमें जेल को अलग कर लेना है। सो आपको ध्यान से इसको पहले अलग कर लेना है, अलग करने के बाद सारे जेल को अलग अच्छी तरह से करना है, और अलग करने के बाद उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आपको करना है। सो फ्रेंड्स, हम जेल निकालने के बाद ओनियन को भी अच्छी तरह से क्लीन करके उसके छिलके को निकालेंगे, ऊपर के पार्ट को अलग करेंगे और ओनियन को हम कट करेंगे स्लाइस में, पीसेस में। सो फ्रेंड्स, और 2 कप नारियल का तेल मैं यूज करूंगी, उसके लिए मैं बनाऊंगी। और ये तेल जो है, आप जब भी अपने हेयर को वॉश करें, आप जब भी हेयर वॉश करना हो तो उसके 1 आवर या 2 आवर पहले हेयर मसाज करें, ऑयल मसाज करें हेयर में अच्छे से अपने हेड पे। सो ऑयलिंग करें, उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद आप हेयर को वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अच्छे तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखें और फॉलो करें। तो ये तेल बना के आप घर में रख सकते हैं, और जब भी हेयर वॉश करना हो तब भी आप लगा लें और 1 से 2 घंटे रहने दें, और उसके बाद अपने हेयर को शैम्पू कर लें। सो आपकी जो भी हेयर प्रॉब्लम है, आपके हेयर अगर फॉलिंग हो रहे हैं, हेयर डैमेज हो रहे हैं, या हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं और हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम से सलूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है ध्यान से देखिए। हमें चाहिए एक आयरन का कढ़ाई, यानी लोहे की कढ़ाई। सो फ्रेंड्स, हमें गैस पे रख देना है लोहे की कढ़ाई को। गैस पे रखने के बाद जब लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई गर्म हो जाए, उसमें हमें 2 कप नारियल का तेल डालना है, यानी 2 कप कोकोनट ऑयल डालना है। जब हमारा कोकोनट ऑयल गर्म हो जाए, अच्छी तरह से पिघल जाए और गर्म हो जाए, तब जाके हमें इसके बाद ओनियन डालना होगा। सो फ्रेंड्स, आप प्रिपेयर रहें ओनियन डालने के लिए।
और इसका इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें आयरन के कढ़ाई में ही बनाना होता है। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको स्टार्टिंग में हाई गैस पे रखना है, बाद में आप मीडियम कर लें और उसके बाद से इसे कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि बबल्स ना हो जाए, उबल के बाहर ना गिर जाए, क्योंकि ऑयल बनाते समय आपको बहुत केयरफुली रहना है क्योंकि ऑयल में आग लगने का चांस बहुत जल्दी होता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। आप कंटिन्यूस चलाते रहें और वहीं पे रहें। सो फ्रेंड्स, ऑयल में आप ओनियन डाल दिए, ओनियन जब मिक्स कर ले अच्छी तरह से, इसके बाद आप एलोवेरा जेल इसमें डाल दें और एलोवेरा जेल डालने के बाद आप इस ऑयल को चलाते रहें, देखिए आपको कलर चेंज नज़र आएगा। सो फ्रेंड्स, इसको आपको कंटिन्यूस तब तक पकाना है जब तक कि गोल्डन कलर ना हो जाए और पक्के डिफरेंट ना दिखने लगे। सो, तब तक हमें पकाना है। सो, ये ऑयल आप बच्चे को भी लगा सकते हैं, बड़े को भी लगा सकते हैं और जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज भी लगा सकती हैं और घर में कोई भी इस ऑयल को लगा सकता है, मैन, ओमेन, किड्स, कोई भी। सो, बड़े बच्चे कोई भी। सो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बना के आप स्टोर कर सकते हैं, जब भी हेयर वॉश करना हो वीक में 2 times लगाएं, हफ्ते में आप 2 times इस ऑयल को लगाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर ग्रोथ जल्दी करना है, ऑयल और हेयर को अपने जल्दी लंबा करना है, सो इस ऑयल को हफ्ते में 2 times अच्छी तरह से ऑयलिंग करें, अच्छे तरह से अपने हेयर को मसाज करें और शैम्पू उसके बाद 2 hours के बाद शैम्पू करें। सो 1 to 2 hours आपको मिनिमम इसको रखना है हेयर में, आपको हेड में अच्छी तरह से मसाज करने के बाद 1 to 2 hours रखना है। और आप ओवरनाइट रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और पूरी तरह से अच्छी तरह से रात भर आपको अच्छी नींद आएगी। और सो फ्रेंड्स, आप अच्छे तरह से अगर रात लगा के रात भर रखना चाहें तो अच्छे से नींद आएगी, आप रख सकते हैं, बट मिनिमम आपको 1 to 2 hours ऑयल मसाज करके रखना है, बाद में आपको शैम्पू करना है। आपको हेयर ग्रोथ जल्दी करना है, फास्ट करना है, हेयर फॉलिंग रोकना है, तो आपको इस ऑयल को लगाना है, बनाना है और फिर लगाना है। लेकिन कोल्ड वेदर में ये ऑयल कोकोनट है, इसलिए थिक हो जाएगा, जम जाएगा, तो जब भी लगाना है इसे हल्का सा गर्म पानी के अंदर रख दें, ये जब पिघल जाए फिर आप कॉटन के मदद से लगाएं ताकि आपको लगाने में इजी रहे और वार्म टाइप का हो जाए तभी लगाएं, क्योंकि कोल्ड वेदर में ये जम जाता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल है, इसीलिए नारियल का तेल अक्सर कोल्ड वेदर में ठंडियों के सीजन में जम जाता है। सो फ्रेंड्स, ठंडियों के सीजन में नारियल का तेल जम जाता है, इसलिए आप इसे जब भी लगाएं तो हल्का गर्म करके लगाएं ताकि आपको लगाने में इजी रहे और आपको ठंडी ना लगे और इसे लगाने में बहुत ही इजी रहेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए आपको ऐसा गोल्डन कलर हो जाए तब तक आपको पकाना है। मेरा देखिए गोल्डन कलर हो गया, अब मैं गैस बंद कर दी। सो फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद आपको इसे फिल्टर कर लेना है, कोई स्ट्रेनर की मदद से आपको छान लेना है। और मेरा ये ऑयल ठंडा हो गया अच्छी तरह से, अब मैं इसको छान लेती हूँ और छानने के बाद मैं इसको किसी डब्बे में भर दूंगी, किसी कंटेनर में, और जब लगाना होगा इसे मैं निकाल के किसी कटोरी में गर्म करके और लगा लिया करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही करें, इसे छान लें, छान के किसी डब्बे में कंटेनर में भर दें और जब लगाना हो
किसी कटोरी में निकाल के गर्म करके लगा ले। मिनिमम 2 से 3 आवर लगाएं अपने हेड में और 1 से 2 आवर, और फिर शैम्पू करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक देना। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।